मैं कह रहा हूँ नाश्ता कि अगर नाश्ते में हिबा के साथ सारा भी उठ जाए करे तो ना। तो आपका कहने का मतलब क्या है? सारा पहले कभी नहीं उठी सुबह के वक्त। ये मैंने कब कहा? छोड़े बस रहने दे। छोड़िए अम्मी, चाय। हाँ हाँ पता है, चाय आई। हिबा जी। छोटे अबू। बेटा तुम भी हमारे साथ कभी कभार नाश्ते पे बैठ जाए करो। आप सुबह सवेरे निकल जाते हैं, मेरे किचन के काम नहीं हो पाते। वैसे आप खाम खाम इसके नखरे क्यों उठाते रहते हैं? नाश्ते का पूछ लेना, नाज नखरे उठाना होता है क्या नासरा? तौबा, आपसे तो बस जितनी मर्जी बहस कर लो। अच्छा आप सुबह सुबह मुझसे बहस मत करो। लीजिए चाय। सुनिए, एक काम कहा था आपको, पैसों की जरूरत थी। हाँ वो मुझे याद नहीं रहा, आज वापसी पे बैंक से निकलवाता ले आऊंगा। हमारा तो हर काम आप भूल ही जाते हैं। ये कोई काम आपको आपकी ये चहेती बोलती ना, फौरन से हो जाता। तुम नहीं जानती ना, जैसे जैसे ये बेटियां बड़ी हो रही हैं, मेरी कमर फिकर से झुकती चली जा रही है। हाँ तो किसने कहा था आपसे कि अपनी भतीजी के सर पे हाथ रखे? उस वक्त तो बड़ी मोहब्बत जाग रही थी। हाय मेरे मरहूम भाई की बेटी है, बेचारी यतीम है, क्यों जिम्मेदारी कबूल की थी आपने? आप नहीं तो खून है ना, मेरे मरहूम भाई की अकलौती निशानी, और यतीम के सर पे हाथ रखने से अल्लाह भी खुश होता है नासिर। आपको पहले भी समझाती थी और अब भी समझा रही हूँ कि अपनी आमदनी देखें और उसके मुताबिक खर्च करें, मगर ना आपने अपनी बच्ची का हक मार के इसकी परवरिश की। वह गुजरने का पता ही नहीं चला नासिर, अब तो एक ही ख्याल दिल में बार बार आता है कि अल्लाह ताला इन दोनों बेटियों के फर्ज से सुपुर्दोश कर दे, मुझ में और हिम्मत दे दे। अब तो आपको देर नहीं हो रही ना। हाँ चला मैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तौबा बात हो। सारा सारा उठो। बच्चों क्या है, रोजाना सुबह सुबह आके उठा देती हो। 11 बज चुके हैं और फिर मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई भी तो करनी है ना। किसी और के कमरे की सफाई कर लो, मुझे सोना है अभी। अच्छा और जो बाहर तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है उसका क्या? मैं थक गई हूँ रोजाना अंडा और पराठा खा के, मुझे नहीं खाना। सारा आज मैंने ऑमलेट नहीं बनाया, आज मैंने कीमे के पराठे बनाए। मुझ अच्छा वो जो कल रात का कीमा बच गया था ना, उससे पराठे बनाए। तो अबा तुम खा के तो देखो। अच्छा ठीक है, अब तो नींद खराब हो चुकी है ना। नारियल
not interested. Hey Allah, Sara, मेरे तो सर में सख्त दर्द हो रहा है भाई. मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं हो रहा कि मैं राजदा के यहाँ जाऊँ. मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी. ये मूवी आज ही रिलीज हुई है और जब तक मैं इसको दो बार नहीं देख लूं मैं चैन से नहीं बैठूंगी. अरे भाई मेरा तो जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा. मगर मगर क्या अम्मा, वैसे भी उनके पास मिलेगा क्या? बासी नीम को, समोसे, वही बिस्किट. तो मत जाओ ना. और यूं भी वो हिब्बा जा रही है ना, घर में से किसी एक की शिरकत तो हो रही है ना. उन्हें ही ले जाए, उन्हें ही शौक है ऐसी जगह जाने का. थोड़ी सी आवाज देखो. ठीक है. अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई राजदा के घर जाने के लिए? मैं तो वहीं जा रही थी छोटी अम्मी. क्या इन कपड़ों में क्या हुआ है? मेरे कपड़ों को ठीक तो है. अरे भाई तुम्हें शौक है लोगों के सामने खुद को ना मजलूम जाहिर करने का. जी जी मेरे कमरे में जाओ, अलमारी में दो सूट रखे हुए हैं, एक ढंग का पहन के जाओ. मगर छोटी अम्मी. और सुनो, ये ज्यादा अगर मगर ना मुझसे क्या करो. पहले मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है. अरे जाओ, जो बोला ना वो करो जाके. चलो शाबाश. जी छोटे अबू आप आ गए. हाँ बताओ, मैं आ गया. आओ बैठो यहाँ. छोटे अबू आप चाय पियेंगे? चाय तो मैं बाद में पीऊंगा बेटा, पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त मेरी शहजादी कहाँ से आ रही है. राजदा खाला की बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है तो इसके लिए उन्होंने छोटी सी दावत रखी थी, वहीं से आ रही हूँ. अच्छा अच्छा, बकिया लो. छोटी अम्मी के सर में बहुत दर्द था इसलिए सारा उन्हीं के पास रुक गई. एक बात कहूं हिबा बेटा, तुम्हारा मिजाज बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा है. चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना हो, मेरा ख्याल बहुत रखती थी. छोटे अबू आप भी तो उनके लिए सबसे नाराज हो जाते थे. मेरा बस चले ना बेटा, तो तुम्हारे सारे दुख दर्द सारी महरूमियां मैं अपने हिस्से में ले लेता. आप इतना कुछ तो करते हैं मेरे लिए. यकीन करें कि आपके होते हुए मुझे कभी भी अम्मी और अब्बू की याद नहीं आई. कासिम आप कब आए? और तुम्हें अगर हमारी शिकायतें लगाने से फुर्सत मिल जाए ना तो चाय बना लो, या वो भी मैं बना लूं. नहीं नहीं छोटे अम्मी, मैं बस अभी लेके आई. क्या करती हो नासा, उसके सामने ऐसी बात कर रही हो, क्या सोचेगी वो? सोचती है तो सोचे, उससे डरती है मेरी जूती. बिन माँ बाप की बच्ची के साथ थोड़ी देर अगर प्यार से बात कर ली तो क्या जाता तुम्हारा? आपके बेजा लाड प्यार ने ना उसे बिगाड़ के रख दिया. अरे किसी दूसरे घर में जाएगी ना तो बदनामी मेरी होगी, आपका कुछ नहीं जाएगा. ए जल्दी चाय ले आ, काम मर गई है. कल मेरी बहन सईदा आई थी भाई, उन्होंने हिबा बहुत अच्छी लगी. हिबा? और क्या भाभी, आपने बिन माँ की बच्ची की इतनी अच्छी तरबियत की है कि टिक्के बैठना तो वो जानती ही नहीं. मैंने खास तौर पे उसे ये कह के भेजा था कि खाला का हाथ बटाना. यकीन करें भाभी, उसने घर वालों से ज्यादा काम किया और यही अदा आपा को भा गई. मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी राजदा, तुम्हें खुल के बताओ. अरे भाभी वो अपने बड़े बेटे शारिन के लिए हिबा को पसंद कर गई है और मुझसे कह गई थी कि जल्द अज जल्द आपकी रजामंदी लेकर आऊं ताकि वो बाकायदा तौर पर रिश्ता ला सके. शारम साहब करते क्या? तुम रुको मैं बात करती हूँ. देखो राजदा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हिबा मेरी सगी बेटी नहीं है, मगर मैंने सारा से ज्यादा उसका ख्याल रखा है. मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो. ठीक है, आप अच्छी तरह सोच समझ के जवाब दे दीजिएगा.
मैं चलती। अरे रुको तो सही, हिबा ठंडा लेके आ रही है। मैं ले आती हूँ ना। अरे नहीं बेटा, देखिए भाभी अब शरबत से काम नहीं चलेगा, मैं मिठाई भी खाऊंगी फिर आके। देखा ये रास्ता कितनी चालाक है, मुझे देखने का तो बहाना था, असल बात तो बीच में से ये थी। तो अम्मा आपने सोचने का वक्त क्यों मांगा? तुम नहीं समझोगे अभी, तो ये हिबा ये गुल खिला के आई है। आप क्या सोच रही हैं? मुझे भी तो बताएं। अरे पगली, मैंने उसी वक्त इसलिए हानि की कि राशिदा कहीं ये ना सोच ले कि मैं अपने सर से बला उतार रही हूँ, इसीलिए मैंने जल्दी हामी नहीं भरी। ठीक है अब क्या करेंगी? अरे करना क्या है, अच्छा है सर से बला टल रही है, वैसे भी हिब्बा के लिए किसी ऊंचे खानदान का रिश्ता आने से तो रहा। अरे भाई राशिदा खाले की बहन है ना, उन्हीं की तरह होंगी, सलीका सादगी का गुनगाने वाली। तो और क्या भाई, देखा भाला तो वहाँ जाता है जहाँ कोई बड़ा खानदान हो। मैंने तो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए हामी नहीं भरी कि राशिदा ये ना समझ ले कि अपने सर से बला उतार रही है। अम्मी जब सारी बातें आपने पहले सोच ली, अब क्या सोच रही है? अरे भाई ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे अब्बा को कोई एतराज ना हो। लो जी अब उनको क्या एतराज होगा, बस रहने ही दो, तुम्हारे अब्बा को मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कभी ये सवाल निकाल लेंगे कभी वो सवाल निकाल लेंगे, उन्हें मुतमईन करना कोई इतना आसान थोड़ी है। फिकर नहीं करो, मेरा बाएं हाथ का काम है, मैं भी उन्हें मनाए बगैर दम थोड़ी लूंगी। वैसे हाँ अम्मी आपसे कोई जीत नहीं सकता पता है। आज घर में बड़ी खामोशी दिखाई दे रही है नासा। नहीं मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी अल्लाह हमारी परेशानियां कितनी जल्दी दूर कर देते हैं। कौन सी परेशानियां? आप अभी कल ही आप बात कर रहे थे ना हिबा के रिश्ते के बारे में कि भाई उसके फर्ज से हम जल्द अज जल्द सुबक दोष हो जाएं। हाँ कल उस सिलसिले में बात तो कर रहा था, फिर तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली ना। वो कैसे? वो राशिदा आई थी। कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस है ना बच्चों, मेरे लिए तुम ये वाला सी दो। सिल तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी प्यारी बच्चों जल्दी से सी देना ना। लेकिन पहले तुम कपड़ा तो लेके आ जाओ। जो पिछले महीने कपड़ा लेकर आई थी वो लेकर तो आई हूँ, उससे तुम्हारे लिए भी लेकर आई थी, कपड़े लेकर आई थी। लेकिन उस पे ये डिजाइन सूट नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं कर, ओहो वो वाला तो तुम्हारे लिए लेकर आई थी, मैं अपने लिए बिल्कुल ये वाला लेकर आई हूँ, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सी दोगी ना? ठीक है भाई। मैंने सोचा कि बेचारी ने पहले ही बहुत से दुख देखे हैं, अब कम से कम ससुराल तो अच्छा मिल जाए। वो तो ठीक है ना सर, लेकिन फिर भी पता लगना चाहिए ना कि लड़का क्या करता है, क्या तालीम है वगैरह वगैरह। ओफो एक तो नेकी का जमाना नहीं रहा, बता तो दिया मैंने आपको कि राशिदा का भांजा है, बड़े अच्छे शरीफ लोग हैं, कई सालों से हम उनको जानते हैं। तो ठीक है लेकिन अब ये लेकिन वेकिन क्या है कासिम? पहले मुझे अपने तौर से पता कर लेने दो फिर कोई जवाब देना। ओफो भाई वो लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, कोई शादी करने नहीं आ रहे, होते रहेंगे बाकी काम बाद में। चलो ठीक है जो तुम मुनासिब समझो कर लो। बस तो फिर ठीक है, मैं कल ही उनको बुला लेती हूँ। इतनी जल्दी कैसे, मैं कल जल्दी ऑफिस से नहीं आ सकूंगा। फिर वही बात, अरे भाई बताया है ना आपको कि वो लड़की देखने आ रहे हैं, कोई शादी तो नहीं हो रही ना, आप हो या ना हो मैं सब संभाल लूंगी, फिक्र नहीं करें। चलो ठीक है फिर जो दिल में आए करो। चलो, अरे अच्छे भले पता है कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और कैसे बेफिक्री होके खड़ी हो। छोटी अम्मी मैं तो सारा का काम कर रही थी। अरे क्या जरूरत थी आज ये काम निकालने की है, अगर मुझे बेइज्जत करवाना था तो साफ ही बता दो ना। छोटी अम्मी खुदा ना करे मैं आपको बेइज्जत करवाऊं। अच्छा ज्यादा आगे से ना चूं 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 ना किया करो,
जाओ उनके लिए जाके ना चाय वगैरह का बंदोबस्त करो और सफाई भी जरा ढंग से कर लेना। अपना हुलिया भी जो है ना वो जरा ठीक कर लेना। चाय के साथ कुछ और बनाना है? उफ मेरे खुदाया, सुन लो क्या बनाना चाय के साथ। अरे वो निम्को का पैकेट मंगवाया था ना, आधा रखा होगा, साथ में एक बिस्किट का पैकेट मंगवा लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैरी चला। अम्मी बिस्किट और निम्को वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं भाई। अरे बड़े अच्छी तरीके से जानती हूँ कि रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो, बहुत मैं कहती हूँ अमीर तरीन लोग आ रहे हैं ना, जो उनके लिए इतनी चीजें मैं मंगवा लूँ। अगर ज्यादा खिदमतें कर लेना तो लड़के वालों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वाह अम्मी क्या दूर की सोची है। अच्छा चलो बंद करो ये सब कुछ और जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ मेहमानों के सामने मजबूरन अपना रवैया सही रखना इसके साथ। कितनी बार समझाएंगी मुझे ये सब बातें? क्या करूं बेटा, दुनिया को दिखाना पड़ता है ना कि हम कितने अच्छे हैं इस मुसीबत के साथ। अच्छा बेटा अब ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी में कितना वक्त रह गया? कुछ भी नहीं, सब कुछ हो चुका है, कपड़े बदलने रह गए। और मुझे कब तैयार करोगी? अच्छा तो सारा गुस्सा इस बात का था आपका। अच्छा ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से जाओ। ठीक है। उफ़ खुदाया ये लड़की कब आएगी। माशाल्लाह जी ये तो आपका ज़र्फ़ है। सभी इलाकों में क्या रखा है? बस यही मोहब्बत और खलूस तो मुझे हिबा में नजर आया है। अम्मी जान आपने देखा, जब बड़ों में इतना प्यार है तो बच्चे तो इतने प्यार वाले होंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता ये कौन? फरीदा बहन है, आओ साथ बैठे। चलिए प्लीज। जी जी इधर बैठिए। नाश्ता? तुमने बताया ही नहीं कि ये लोग इतनी तैयारी से आएंगे और इतने बड़े लोग। तो आपसे पूछ के ही बुलवाया। बुलवाया क्या करूं? नाश्ता भाभी ये मेरी बहन है सईदा और ये उनका बेटा साद। जी बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सईदा बाजी के शौहर मुताहिर भाई मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। ये जी हमारा घर आपके सामने है, मेरे मियां असल में मुलाजमत करते हैं, हमारे पास कुला सासा दो बच्चियां और ससुर का छोड़ा हुआ ये एक घर है। मुझे राजदा ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। अरे इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया मेरे बारे में? भाई हमें उस बच्ची से मिलने का बहुत इश्तियाक है जिसकी तारीफ सईदा ने बहुत की है। जी जी हिब्बा तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत अजीज है मुझे, मेरे मरहूम जेठ की बेटी है। अपनी बेटी से बढ़ के प्यार करती हूँ उससे मैं। कासिम भाई नजर नहीं आ रहे, क्या अभी तक आए नहीं? तुम तो जानती हो ना रास्ता कि कितनी मेहनत करते हैं कासिम। वैसे मैं उन्हें फोन करती हूँ। आप लोग बैठे, मैं अभी आई। आप लोग बैठे। हम भी उस वक्त से क्या कर रही हो तुम किचन में घुस के? छोटी अम्मी चाय बना रही थी। अभी कोई जरूरत नहीं। जी जो कह रही हूँ ना वो सुना करो। जी जी ना क्या करो ज्यादा, जब मैं बोलूंगी ना तब ये बनाना चाय वाय बस। राशिदा तुमने इन्हें बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे? अम्मी जान
इन लोगों की इजाजत से ही तो हम लोग यहाँ आए हैं। मगर बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने यहाँ आकर इन्हें जहमत दी है। सारा सारा अरे जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? क्या पता वो लोग हिबा की जगह तुम्हें पसंद कर ले। क्या हो गया अम्मी? बच्चों को देखने आए ना, उन्हीं को दिखाए। अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसे अच्छे लोगों में उसका रिश्ता मैं करवा ही ना दूं? मैं तो वहां अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हूँ। अरे क्या करूं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इतना अच्छा रिश्ता हाथों से निकला जा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ऐसे भी कैसे लोग आ गए, जरा मैं देखूं तो। अरे नहीं नहीं, खबरदार जो वहां आई मुझसे बगैर पूछे तो। क्यों? जब तक मैं ना बोलूं उनके सामने हरगिज नहीं आना, और जल्दी से बस तैयार हो जाओ। अच्छा, और हाँ थोड़ी देर के लिए ना हिब्बा के पास चली जाओ, उसकी मदद करवा दो। बच्चों की मदद किचन में? अरे तुम्हें कौन कह रहा है, बस हिब्बा के पास जाके खड़ी हो जाओ दिखावे के लिए। चलो उठो जाओ। नासरा नासरा कुछ सोचो, कुछ सोचो, ये रिश्ता हाथों से नहीं जाना चाहिए। बहुत ही वजादार लोग हैं, मुझे लगता है कि नासरा भाभी किसी तकल्लुफात में लग गई है। राजदा हम तो सिर्फ हिबा से मिलने आए हैं, उन्हें मना करो कि। जी माफी चाहती हूँ, थोड़ी देर ज्यादा लग गई। कोई बात नहीं नासरा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ आना तो एक दुनियादारी है, बच्ची हमें पसंद आ गई है, सईदा ने पसंद कर ली, समझे हम सब ने पसंद कर ली। वो मैं ये एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग? हाँ हाँ जो दिल में है सब पूछ लो। वो जी शारिम करते क्या है? वो क्रिस्टल ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ हाँ वो जो क्रिस्टल ग्लासेस बनाती है कंपनी, वो ना? जी जी बिल्कुल। अरे आप यकीन करें बहुत महंगे होते हैं उनके गिलास, पूरे 250 का एक गिलास। हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं घर के लिए, मगर जब कोई मेहमान वगैरह आए तो फिर मैं जरा महंगी क्रॉकरी लाती हूँ। भाभी ये लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं और आप? अरे हाँ हाँ कासिम बस आते ही होंगे, तुम तो जानती हो ना कि उनकी तो जान अटकी होती है बच्चियों में। चले हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं, अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। अरे पूछना कैसा जी, राशिदा को हम मुद्दतों से जानते हैं, यूं भी आप सबका हमारे घर में आना बहुत बड़ी बात है। नासरा इलाके और घर लोगों से बनते हैं, बाकी चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाती हैं। माशाल्लाह जी ये तो आपका ज़र्फ है। वो क्या कहते हैं ना जी, बड़े लोगों की बड़ी बातें, सभी इलाकों में क्या रखा है। बस यही मोहब्बत और खलूस तो मुझे हिबा में नजर आया है। अम्मी जान आपने देखा, जब बड़ों में इतना प्यार है तो बच्चे तो इतने प्यार वाले होंगे ना। बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं 2 मिनट भी आई। हेलो हाँ नासा आ गए वो लोग? हाँ जी वो लोग तो आ गए, मगर आप कितनी देर में पहुंचेंगे, जल्दी कीजिए ना। बस थोड़ी देर लगेगी, क्यों? ओ भाई वो लोग आ चुके हैं और आप पूछ रहे क्यों? तुम तो कह रही थी कि सब कुछ संभाल लेंगे, मेरा आना जरूरी नहीं है। वो आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं बता रही हूँ ना, वो आपकी बेटी को देखने के लिए आए हैं। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि हिबा भी तो अभी ही की बेटी है ना, अगर आप ना हुए तो रिश्ते की बात कैसे पक्की होगी। सब खैर तो है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस आप सारी बातों को छोड़े और जल्दी पहुंचिए, 10 मिनट में पहुंच जाए। साथ बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ दादी, मैंने क्या किया? अरे भाई इतने महंगे गिलास बुलाते हो और मुझे पता ही नहीं। अरे अम्मी जाना आप भी ना।
अरे भाई मैं थोड़ी कह रही हूँ, वो तो मामा अंकल एक घंटे तक नहीं आएंगे, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, बोर हो रहा हूँ। साथ बेटा, हर घर के कुछ उसूल होते हैं, अगर नासरा बेगम अपने उसूलों पे कायम रहना चाहती हैं, तो हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कासिम भाई आप लोगों से मिलना चाह रहे होंगे। हाँ हाँ, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ भाई लड़की हो गया सारा काम क्या अभी तक नहीं? छोटिया भी सब हो गया। जबरदस्त। अच्छा यूं करो कि शरबत भी बना लो, बल्कि तुम रहने दो, शरबत मैं खुद ही बना लूंगी, तुम लोग जाके तैयार हो जाओ। छोटी अम्मी आप तकलीफ क्यों करती हैं, मैं खुद बना लूं। जितनी बात कहा करूँ ना उतनी किया करो, इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ, चलो भाई, चलो शाबाश बेटा। और जब तक मैं ना बोलूं कोई ना आए। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर देखूं भाभी कहाँ लग गई। अरे नासरा, इस सब की क्या जरूरत थी? खाने पीने से कुछ नहीं होता। एक मिनट में और लेके आती, मैं भी आती हूँ। यकीन करें बहुत तकल्लुफ किया आपने। इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है, वैसे भी मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और अपनी किस्मत खाते हैं। आप यकीन करें, जैसे मेरी बच्चियों ने सुना ना कि मेहमान आए हैं घर पे, फौरन से पहले किचन संभाल लिया। लीजिए प्लीज। राशिदा के घर पे देखा था मैंने हिबा को। जी लीजिए ना, ये भी लीजिए, ये कबाब, ये रोल, ये मेरी सारा ने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, वेरी गुड। दादी ये बहुत ऑयली है। बेटा चखने से तो मना नहीं किया ना। अरे सईदा आप भी तो लेना। हाँ हाँ मैं लेती हूँ। राजदा तुम क्यों मेहमान बने बैठी हो, खाओ ना कुछ। अरे हाँ ले तो रही हूँ मैं। भाई आपकी तरबियत का तो मुझे अंदाजा हो गया था, मगर उस खलूस में जायका भी शामिल है ये मुझे आज पता चला है। इसका मतलब है नासरा, तुमने बच्चियों को ये समझा दिया है कि दिल में उतरने का रास्ता मैदा होता है। मेरा ख्याल है कासिम आ गए। सुबह जब मैं जा रहा था तो तुम कह रही थी कि हिबा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और अब तुम सारा के लिए बात कर रही हो। कासिम ये बहस का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। देखो हिबा के लिए तुमने जो कुछ भी किया मैंने मान लिया, मगर ये पहली और आखिरी बार मैं सारा के लिए कुछ मांग रही हूँ। मगर छोड़, अंदर आओ मेरी बात सुनो जरा, मैं समझाती हूँ ना भाई। अपनी बेटी का भला ही चाहा है ना, इसमें बुरा क्या हो गया? और वैसे भी उन लोगों का इरादा ही नहीं था इस घर में रिश्ता करने का। तैयार हो गया मेरा बेटा। ओ मैडम, तुम्हें तैयारी के लिए क्या कोई दावतनामा भेजना पड़ेगा? छोटी अम्मी मैं तैयार हूँ। उफ मेरे खुदाया,
तुम्हारे छोटे अब्बू ने इतना महंगा सूट जो तुम्हें ईद पे लाके दिया था ना, मेहरबानी करके वो पहन लो प्लीज। जाओ जी। एक बात बताए, ये बच्चों को इतने अच्छे कपड़े क्यों पहना रही हो? अरे मेरा बच्चा, दिखावा करना पड़ता है। अच्छा मेरा बच्चा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? चल मेरी गुड़िया। देखो कासिम, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सोचो ना सर, जबकि हम उसे बता चुके हैं कि उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं, और अब तुम कह रही हो कि सारा के लिए। ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम बस खामोश रहो, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी। नासा, मेरा दिल किसी भी तौर पे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो फिर तुम अपने दिल को काबू में रखो, वरना बात बिगड़ते और तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। तो फिर ठीक है, मैं वहां नहीं जा रहा, तुम्हारा जो जी में आए करो। अरे सुनो तो सही। देखो तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इससे अच्छा रिश्ता पता नहीं सारा के लिए फिर मिले या ना मिले। और रही बात हिबा की, तो उसके लिए तो कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा। कासिम देखो, मुझे भी ये सब बहुत ही बुरा लग रहा है, पर क्या किया जाए, मजबूरी। ठीक है, जब ये सब कुछ तुमने तय कर ही लिया है तो फिर क्या जरूरत, क्या मजबूरी, इसे क्या फर्क पड़ता है? सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम भाई, कैसा बेटा? ठीक ठाक। मैं आप लोग सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। तुमको तो पता है ना बेटा कि आजकल रश कितना होता है, ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं भाई साहब, इतनी देर हम सब ने बातें कर ली, बहुत अच्छा लगा। जी मैं भी। सारा, अरे भी बस भी कर दो ये तैयारी। अम्मी मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, आप पहले बच्चों को ले जाएं। बच्चों को क्यों ले जाऊं, जब मैंने बोला है ना कि पहले तुम आओगी, तुम ही आओगी, समझी? नहीं भाई। अरे बा, तुम्हें जब तक मैं बुलाऊ ना, तुमने बिल्कुल भी अंदर नहीं आना, दरवाजे के बाहर बस खड़ी रहना, समझी? जी। चलो चलो मेरे साथ। ये मेरी छोटी बेटी है सारा। हिबा कहाँ रह गई? वो बज्जो बाहर है, शर्मा रही है। शर्मा रही होगी, मैं लेकर आती हूँ। अरे हिबा बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। राजता खाला, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है, बस ये समझो कि तुम्हारी माँ की दुआएं रंग ला रही हैं। अरे बेटा यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अंदर चलो ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी चलो चलो चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में दोनों बच्चियां एक साथ पली बड़ी है ना, इसलिए दोनों में बहुत प्यार है। सारा मेरे बगैर रह लेती है, मगर हिब्बा के बगैर एक मिनट नहीं हिलती। इस बच्ची की तो जबान नहीं थकती बच्चों कहते कहते, इनकी मोहब्बत की तो मैं भी गवाह हूँ। नासरा बहन बहुत खुश नसीब है आप, ऐसी बच्चियां तो घरों को जन्नत बना देती है। हाँ पर सच तो यही है ना कि बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर तो जाना ही होता है,
लेकिन यकीन माने मेरी शुरू दिन से यही ख्वाहिश थी कि दोनों बहनें एक ही घर में जाएं। अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हो गई, वरना दोनों को जुदा करना बड़ा ही जुल्म होगा। बस ये अल्लाह नसीब अच्छे करे दोनों के, दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश रहें, यही माँ बाप की दुआएं होती हैं। ये तुमने क्या किया नासर, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम एक अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठे, इसीलिए कहते हैं ना लालच बुरी बला। अरे आप तो बस रहने ही दें, क्या बुरा किया मैंने? ना क्या बुरा किया, अपनी बेटी का भला ही चाहा है ना, इसमें बुरा क्या हो गया? और वैसे भी उन लोगों का इरादा ही नहीं था इस घर में रिश्ता करने का, यूं भी लोग ठीक ही कहते हैं, अपनी बराबरी के लोगों में रिश्ता करना चाहिए। वैसे भी इस घर के अलावा हमारे पास है ही क्या, इसी की शो है बस। ठीक तो किया उन लोगों ने, वो तुम्हारे चाय समोसे के भूखे थे क्या? तो और क्या। अरे हेलो नासरा, मैं शारम और सात की दादी अम्मा बात कर रही हूँ। आप जी खाला जान, खैरियत? कैसे फोन किया आपने? हम तुम्हारे घर आए, बहुत अच्छा लगा, दोनों बच्चियों से मुलाकात हुई, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। जी जी अच्छा अच्छा नासरा, वो हमने फैसला किया है कि दोनों बच्चियों को अलग ना किया जाए। जी मैं कुछ समझी नहीं खाला जान। देखो नासरा, हम आए तो एक के लिए थे, मगर अब हमने फैसला किया है कि हमें हमारी दोनों बहुरानियां दे दो। क्या? जब मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपनी सारा की शादी वहीं करूंगी और धूमधाम से करूंगी, तो तुम कुछ भी कर लो, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, देखो गाड़ी बेचो, ऑफिस से लोन लो, कुछ भी करो, मुझे पैसे चाहिए। अरे नहीं बाबा, दादी तो बता रही हैं वो लोग इतने पसंद आए कि आपके साथ साथ सात भाई की भी उनकी छोटी बहन पसंद आ गई है। Really? मगर आप खुद ही सोचे ना कि आजकल के दौर में शराफत और पैसा दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। अब वो वक्त कहाँ है कि बच्चियां दिल मार के गुजारा करें? नासिरा अजी सच्ची तो कह रही हूँ, आप क्या नासिरा? दिल ही तो है मेरा हमनवा, ये टूट ना जाए कहीं, लगता है डर तन्हाई से टस जाए ना हाय कहीं, रिश्तों में ही उलझे हुए रह जाए ना ये जिंदगी, अब क्या करूं किससे कहूं जाऊं कहां, ऐ दिल बता